ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਚੀ ਸਰਦਾਰਲੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਛੋਟੀ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚਲਦਾ ਕਰ ਦਿਓ। जी हाँ दोस्तों, आम आदमी पार्टी पंजाब में दोबारा ना आए, यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी मेरे बेटे मेरे श्रवण पुत्र सिद्धू के लिए। और क्या क्या कहा है अपने लेटेस्ट बयान में सिद्धू की माता चरण कौर जी ने, चलिए आपको डिटेल में बताते हैं। दरअसल भगवंत मान के घर जो है, आपको बता दे बेटी का जन्म हुआ है और इसे लेकर भगवंत मान ने खुद सोशल मीडिया पर जो है शेयर किया कि हमारे घर लक्ष्मी आई है। वहीं आपको बता दें जब सिद्धू मूसेवाला जी की माता चरण कौर जी ने बेटे को जन्म दिया था तो उनके लीगल होने का जो है सबूत मांग रहे थे, सरकार पंजाब सरकार लगातार सबूत मांग रही थी। अब जब भगवंत मान के घर जब बेटी पैदा हुई है तो उसका भी लीगल डॉक्यूमेंट्स जो है मांगा जा रहा है सिद्धू फैंस से। अब ये जंग जो है छिड़ गई है, सिद्धू की माता चरण कौर जी अभी पूरी तरह से स्वस्थ नहीं है, लेकिन आपको बता दें अपने बेटे के जस्टिस के लिए एक बार फिर से मैदान में कूद पड़ी है। कल सिद्धू के फादर बलकौर सिंह जी का बयान आया था जिसमें उन्होंने जो है चुनाव को लेकर वोट ना देने को लेकर अपील की थी आम आदमी पार्टी के लिए। वही आप जैसा कि जानते हैं कि केजरीवाल अभी जेल में हैं और अभी पंजाब में जो है सीएम वो भगवंत मान है और भगवंत मान को सिद्धू के फैंस सिद्धू मूसेवाला जी के पेरेंट्स जो है बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे हैं। हालांकि जब सिद्धू मूसेवाला जी की हत्या हुई थी दोस्तों 2 साल पहले, तो उस वक्त भगवंत मान जो है आए थे और सिद्धू के फादर साहब को ये सांत्वना दी थी, वादा किया था कि मेरे भाई को जिसने मारा है मैं उसे सजा दिलवाकर दम लूंगा। वही आपको बता दें सिद्धू के फादर साहब लगातार कह रहे हैं कि कथनी और करनी में बड़ा फर्क है, जो कहा गया वो नहीं किया गया है, बल्कि पंजाब सरकार को चला रहे हैं गैंगस्टर। गैंगस्टर को सरकार नहीं जो है आपको बता दे सजा दे रही है, बल्कि गैंगस्टर ही सरकार चला रहे हैं पंजाब के अंदर और तमाम नौजवान जो हैं इस चीज से पीड़ित हैं, ये सिद्धू के फादर साहब ने अपने लेटेस्ट स्पीच में कहा है। साथ ही आपको बता दे सिद्धू के फादर साहब ने यह भी कहा कि अभी तो मैं सिर्फ बयान दे रहा हूँ, आगे मैं बड़ा कुछ करने वाला हूँ अपने बेटे के जस्टिस के लिए। तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि मैं ठंडा पड़ गया हूं, मैं कुछ नहीं करने वाला हूं, मेरे घर में खुशियां आई है तो मैं जश्न मनाऊंगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। जश्न मनाने के साथ साथ जो हम अपने बेटे के जस्टिस के लिए भी लड़ेंगे। सिद्धू की माता चरण कौर जी जो है साफ तौर पे सिद्धू जी की हत्या के बाद लगातार एक ही बात कहती आ रही है कि जिन लोगों ने मेरे बेटे को मारा है वो लोग खुशियां मना रहे हैं और हमारे घर में जो है सूनापन कर दिया है, लेकिन अब जब छोटी सी खुशियां आई है हमारे घर में तो उससे भी जल रहे हैं। आखिर हमने किसी का क्या बिगाड़ा है। लेटेस्ट बयान में सिद्धू की माता चरण कौर जी ने कहा है कि आज हम दुखी हो रहे हैं लेकिन हमें दुखी करने वाले एक दिन जरूर दुखी होंगे। ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं है, हमें वाहेगुरु पर विश्वास है और मेरे बेटे को जस्टिस जरूर मिलेगी।